मार्शल आर्ट्स की शुरुआत शाओलिन में ही हुई। प्राचीन शाओलिन कुंफू से ही बाकी फाइटिंग स्टाइल्स का जन्म हुआ। आज भी ये प्रथा शाओलिन में बरकरार है, जहां कई नौजवान दिन रात ट्रेनिंग ले रहे हैं और उस जगह को कहा जाता है शाओलिन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट। तुम्हें सिखाई है उसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना। आज तुम सबकी ट्रेनिंग पूरी होती है। शुक्रिया। अब ये बताओ कि तुम सब जिंदगी में क्या बनना चाहती हो? मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। और तुम क्या बनना चाहती हो रिन? मैं जापान में शाओलिन कुंग फू सिखाना चाहती हूँ। देखो रिन, शाओलिन से जाने के बाद भी रियाज करते रहना। जी गुरुजी, जरूर करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। इसने आत्मनियंत्रण करना अच्छी तरह सीख लिया है, पर अपनी शक्ति पर इसका काबू नहीं है। जो अपनी शक्ति पर काबू नहीं कर पाते वो बड़ी आसानी से खत्म हो जाते हैं। मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि वक्त अच्छे अच्छों को अपनी शक्ति पर काबू करना सिखा देता है। अभी यही है। ये तो रिन है, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। चलो 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 जल्दी। अरे आओ ना, थक गया लगता है। इतना सामान नहीं उठा सकते ये लोग। हमें नहीं उठाना है। यहाँ आओ। तुम सब में बड़ा जोश है।
क्या तुम सब शाओलिन कुंग फू सीखना चाहोगे? बहुत मजेदार होता है, सीखोगे? कुंग फू? हाँ, तुम लोग स्ट्रांग हो, तुम में वो बात है, जोश भी है तुम में। तुम ये क्या कह रही हो? अभी बताती हूँ, चलो स्कूल में आओ, मेरे साथ स्कूल में आओ, चलो चलो चलो, रुको, मैं तुम्हें सच में सिखाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुंग फू सिखाऊंगी। मुझे नहीं सिखाना, कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, रुको, अरे जाओ यार, रुको, भागो, क्या हाल हो गया है यहाँ का? दादाजी, मैं लौट आई हूँ दादाजी। सब ठीक तो है ना? ये बकवास है, हटाओ इसे। I'm very sorry. स्कूल को क्या हो गया है? ऐसा हाल क्यों है? स्कूल? नहीं तो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं मजाक कर रहा था। अरे यहाँ देखो कौन आया है। कौन आया है? रिन, इतने सालों बाद आओ, देखो। पहचान क्यों नहीं आ रही? हमने सॉकर और बीच वॉलीबॉल के लिए बेहतरीन टीम चुन ली है। बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं वो। हमें कायदे कानून को प्रमोट करने के लिए कुछ कॉमिक्स और नॉवेल्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और स्पोर्ट्स पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हैं। हमने एक बहुत ही अच्छा इंटरनेट सर्वर बनाया है और बहुत ही जल्दी हम अपना एक ब्लॉग भी शुरू करने वाले हैं। ये चार्ट बता रहा है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट को मारो गोली, मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट बस दो ही चीजों में करना चाहिए, पावर में या फिर ब्यूटी में। पावर में इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं रहा, तो अब सिर्फ एक ही चीज है जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो है ब्यूटी। अब आप लोग सोचिए कि हम उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीटिंग पूरी हुई, मेरी गाड़ी लेकर आओ। पता नहीं ये कब ठीक होगा, इसकी मरम्मत करते हुए काफी दिन हो गए। मुझे जानना है कि स्कूल बंद क्यों हुआ। मुझे नहीं पता रिन, बस सब कुछ अचानक हो गया। पर मुझे इस बात का एहसास था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर जिन्हें मेरी तरह एहसास नहीं हुआ होगा उन्हें तो ये देखकर काफी झटका लगा होगा। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा। एक बात मुझे जो याद आ रही थी वो। गुड आफ्टरनून बॉस, उम्मीद है कि आज का आपका दिन अच्छा जाए। मुझे पहचाना, मैं हूँ रिन साकुराज़ावा। कौन? रिन साकुराज़ावा। ओ, अब पहचाना तुम्हें। रिन, कैसी हो तुम? बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ है पता है आपको? स्कूल बंद होने के बाद से कभी किसी को नहीं देखा। तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, कोई दोस्त बनाया क्या? हाँ,
नहीं बनाया है तो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, जब बोलो हाजिर हूँ। चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, मुझे एक प्लेट फ्राइड राइस देना। ठीक है सर। ठीक है। छुपे रुस्तम, तुम्हारे हाथ तो बहुत तेज चलते हैं। ये लीजिए, तुम कहो तो तुम्हें भी एक नमूना पेश करूँ क्या? भाड़ में जाओ। टीचर, यहाँ कोई टीचर नहीं। टीचर कहाँ है आप? तुम अंदर नहीं जा सकती, चलो निकलो यहाँ से। चलो। अरे टीचर, रुको। Of yellow soup. रिन, तो तुम वापस आ गए। हाँ टीचर, वो स्कूल। ओह, तुम वहाँ गई थी क्या? बड़ी बुरी हालत है वहाँ की। पर ऐसी हालत हुई कैसे? तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो। लेकिन टीचर, मैं अब तुम्हारा टीचर नहीं रहा, मैंने शाओलिन कुंग फू छोड़ दिया है। क्या? लेकिन स्कूल वहाँ इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? इन बातों से अब कोई फायदा नहीं। क्या मतलब कोई फायदा नहीं है? सुनो रिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ, फिर तुम चाहो तो यहीं पर रुक सकती हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, स्कूल में रहूंगी। चलती हूँ, बाय। पता नहीं ये लड़की कौन थी। है? मुझे भी नहीं पता, पहले कभी नहीं देखा। पहले भी नहीं देखा। मेरे फ्राइड राइस कहाँ पर है? वो क्या, टेबल पे है सामने। ओ अच्छा, आप ठीक तो है। खा लेता हूँ। थक गई। कौन है? हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे केले खा गए, मेरे केले खा गए, बताओ मैंने क्यों खाए? देखो, मैं मारूंगा, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, मेरा केला।
नहीं छोड़ूंगा। ये केला खाओ, बताओ क्यों खाया, बताओ। केला मैंने नहीं खाया। बहुत टेस्टी है। तुम रोज सुबह ये करती हो? मेरे दादाजी ने सिखाया। क्या वो चाइना में ही रहते हैं? वो एक किसान है और उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। तुमसे एक बात कहूँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी सी नौकरी ढूंढ के अपने दादाजी को आराम की जिंदगी देना चाहती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे किक करो यहाँ। क्या? यहाँ जोर से किक करो। पूरा जोर लगा के। ठीक है। तैयार हो? तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं? वैसे तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा है और तुम्हें दम भी बहुत है। तुम शाओलिन कुंफू सीख सकती हो। शाओलिन कुंफू पर क्यों? मैं इस कला को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शाओलिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना चाहती हूँ और ये मेरे दादाजी का सपना भी था। अच्छा ये बात है, मैं सीखने की कोशिश कर सकती हूँ। सच कह रही हो? अगर तुम लैक्रो सीखने का वादा करो तो। हाँ, मैं सीखूंगी। ये चलो। रुको रुको। हाँ? लैक्रोस का क्या मतलब है? भविष्य पर अंधेरे का पर्दा पड़ा हुआ है, बिना डरे उसकी ओर चल पड़ो और तुम्हें रोशनी खुद ब खुद नजर आ जाएगी। रुकना मत, झिझकना भी मत, चुनौती का सामना करो, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। अंदरूनी शक्ति को आजाद करो, मंजिल तुम्हारी होगी। मैं सही कान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूं, ओबा युचिरो। मैं अभी मौजूद स्टूडेंट्स और भविष्य में आने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि यही वो जगह है जहां आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं और यही वो जगह है लो तुम्हारा गेस्ट पास, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। चलो हम कहां जा रहे हैं? विंडो नंबर 5 से। लेकिन बताओ तो सही, चलो चलो कहां ले जा रही हो? जल्दी चलो, हमारी मदद करें। देखो मेरे साथ कौन आया है। ये यहाँ क्यों आई है? इसका नाम क्या है? इसका नाम रिन है, पूरा नाम है रिन साकुराज़ावा। तुम लोगों की प्रैक्टिस देखने आई है। किस ग्रेड में पढ़ती हो? ये यहाँ नहीं है। कभी लैक्रोस खेला है? नहीं, पर मैं खेलना चाहती हूँ। और तुम सब शाओलिन कुंफू सीखोगी ना? तुम्हें शाओलिन कुंफू नहीं पता? वो क्या होता है? एक तरह का मार्शल आर्ट है। केंदो जैसा होता है? कराटे जैसा होता है। मैंने शाओलिन नाम सुना है। बड़ा अजीब सा नाम है ना? ऐसा नहीं है। इसमें पहनते क्या है? मुझे भद्दा यूनिफॉर्म पसंद नहीं है। कैसे बाहर प्रैक्टिस करते हैं? मुझे धूप में काला नहीं होना है। मेरे पास सनस्क्रीन है। हाँ, सनस्क्रीन लगाने के बाद काली पड़ जाओगी। बेसबॉल को मिस करती हूँ। चुप रहो। लैक्रोस वैसे भी बहुत मुश्किल खेल है और हमारे पास किसी और खेल के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें लैक्रोस नहीं खेलना? ये अचानक शाओलिन कुंफू कहाँ से याद आ गया? हाँ हाँ बताओ, कहाँ से याद आ गया तुम्हें ये? तो बताओ क्या सोचा तुमने? लैक्रोस खेलना है कि नहीं तुम्हें? अब बातें बंद करो ना।
ना, चलो ना खेलते हैं। शायद इसे लैक्रोस के बारे में नहीं पता। जरा देखे तो निशाना लगाना आता है। लैक्रोस इससे खेलते हैं क्या? हाँ, इससे बॉल फेंकते हैं। इस तरह मार के कोई फायदा नहीं। मारना ही है तो गोल की तरफ मार के दिखाओ। ठीक है, लो मारो। ये तो वाकई बहुत ही मुश्किल काम है। क्या मुसीबत है, ये यहाँ कैसे फंस गया? बंद करो, कोई से बंद करो, बंद करो, क्या कर रहे हो? कोई है नहीं क्या? है कि नहीं? कोई से बंद करो। टास्क फोर्स 7 में जरूरत है कि और स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स खेलें। कुछ स्टूडेंट को चुन ले और उन्हें पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए कह दें। ठीक है। और बाकी सबका क्या हाल है? 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है, उनका सारा पेमेंट भी आ चुका है। अभी तक की यही सिचुएशन है। थैंक यू। मीटिंग खत्म हुई, कार भेजो। कोई नए ट्रांसफर हुए हैं तो मुझे उनकी रिपोर्ट चाहिए। जी बॉस, अभी देती हूँ। और इस मामले में सर अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। रिपोर्टर ताकेशी कुरोसा की लाश है, जिनकी उम्र 35 साल थी। उनकी तहकीकात से यूनिवर्सिटी में चल रहे कई घपलों पर से पर्दा हटने वाला था। अभी तक उनकी मौत के कारण का पता तो नहीं चल पाया है, पर जरूर ये दुश्मनों की कोई चाल लगती है। मांग की गई है कि सरकार इस घटना की पूरी छानबीन कराए। इस घटना में जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको जरूर बताएंगे। ये क्या हो रहा है? ये सारे बॉल्स क्या तुमने मारे थे? जी हाँ, मैंने ही मारे हैं। तुमने डॉल्फिन को तोड़ दिया है। ये कौन? एडमिनिस्ट्रेशन से है। और तुम कौन हो? तुम्हें कभी देखा नहीं मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? हा? ये रिन है। किस डिपार्टमेंट से? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तो तुम टीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती? रियू सर, प्लीज इसे अप्लाई करने दीजिए ना। पता नहीं मारेंगे या नहीं। जो इतना जबरदस्त शॉट मार सकता है उसे जरूर अप्लाई करना चाहिए। मेरी तरफ भीग गया जबकि सुबह नहा के आया था। उस तरफ जाना है, चलो। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। अब वो क्या है सर? वो एक स्पेशल ट्रेनिंग वाली जगह है, वहाँ बिना इजाजत के जाना सख्त मना है। काश मैं एक्स्ट्रा कपड़े लाया होता। मैं आ गई। एक बात बताओ, रिन लैक्रोस खेल सकती है? पर वो तो स्टूडेंट नहीं है, तो कैसे खेल सकती है? उसने परमिशन के लिए अप्लाई किया है। कब से ऑर्डर दिया है, हमें कुछ खाने को मिल सकता है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, रिन बहुत स्मार्ट है और वो अब से लैक्रोस खेलेगी।
कहिए आपके लिए क्या लेकर आऊं? तुम अपनी कोहनी को मोड़ रही हो। चलो अब तुम करके दिखाओ। अपनी सारी शक्ति को आगे की ओर फेंको, ऐसे देखो। टीचर आप दाढ़ी कहाँ गई? लाओ मुझे दो। हाँ? ऐसी शक्ति होने से अच्छा है कि शक्ति हो ही ना। बॉल की शक्ति को अपनी शक्ति से मिलाओ और फिर उसे ऐसे उछाल दो। टीचर आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या कहूँ, ये बड़ा दिलचस्प खेल है। ये लो मिन मिन। थैंक्स। तुम सभी फिक्र मत करो, अब से मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है। तब तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई ये है कौन? जो भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है? एकदम परफेक्ट। इन्हें कोच की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कहिए ना। तुमने ठीक कहा। लड़कियों, अब से ये तुम्हारे नए कोच होंगे। हिवायना में मिलकर खुशी हुई। हम ट्रेनिंग कल से शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय। ये लो। खाओ खाओ, मजे से खाओ। अच्छा है ना? तुम्हें पता है कि ईवाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। पागल कहीं का। ये सब क्या चल रहा है टीचर? आपने शाओलिन कुंग फू छोड़ दिया, लेकिन क्यों टीचर? चाइनीज खाना बनाने के लिए। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। जब दादाजी गुजरे तब भी मैं यहाँ नहीं आ पाई, क्योंकि मैं सख्त ट्रेनिंग ले रही थी। आप क्या चाहते हो, कि मैं उस सब पर पानी फेर दूं? ऐसे क्या खास बात है शाओलिन कुंफू में? हाँ, ऐसा तुम क्या कर सकती हो जो मैं नहीं कर सकता? आप में ज्यादा ताकत है। इसमें कुछ नहीं रखा है, बस मारा मारी है, खून खराबा है, और अब मैं ये सब नहीं करना चाहता हूं।
मिल गया, क्या बात है। कौन है? रिन, मैं अंदर आ सकती हूँ? मिन मिन, तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे शाओलिन कुंफू सिखाओगी प्लीज? पर टीचर ने तो कहा मुझे नहीं सिखाना चाहिए। तो तुम मुझे चोरी छिपे सिखा दो। सच्ची? शरीर के निचले हिस्से की ट्रेनिंग से ताकतवर और फुर्तीले बनते हैं, इसलिए निचले हिस्से को स्ट्रांग करना चाहिए। बच्चा कंधे से हाथ सीधा रखो, यहाँ पर फोकस करो और फिर पूरी शक्ति से पंच करो। ये शक्ति तुम में बुलेट जैसी तेजी ले आती है, ऐसे। इस तरह सर के बल खड़े रहने से खून सिर की ओर जाता है, इससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है और दिमाग शांत भी होता है। अपनी शक्ति को पहचानो और उसे बढ़ाने की कोशिश करती रहो। अब पोजीशन ले लो और मैं जैसा करती हूँ वैसा करो। रेडी? एक और बार करें? हाँ। शांत और सीधी खड़ी रहो, लंबी सांसें लेती रहो, फोकस करो। ये एक्सरसाइज सबसे मुश्किल है पर बहुत फायदेमंद भी है। तुम ये कब से कर रही हो? जब से इस दुनिया में आंखें खोली हैं। तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम्हें वुशु इतना पसंद क्यों है? मैं नहीं जानती, पर हाँ बहुत पसंद है। कभी भी इससे बोर नहीं हुई हूं मैं, इसी से तो खुशी मिलती है मुझे, अंदरूनी खुशी मिलती है। लेकिन शाओलिन कुंफू तो एक लड़ने वाली कला है ना? गलत कह रही हो तुम, ये खुद की हिफाजत के लिए है, इसे सीखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं इसे सीखना चाहती हूँ। मेरा यही तो मकसद है मिनमिन, कि मैं शाओलिन कला को और आगे बढ़ाऊं, बहुत सारे लोगों को सिखाऊं। यहाँ सिखाओगे? हाँ, यही सिखाऊंगी, यही मेरा घर है, शुरुआत तो यहीं से होगी। घर? हाँ, ये मेरा घर है और मैं यहाँ लौट कर आई हूँ। मैं घर आ गई। मैं घर आ गई। घर में स्वागत है। दो दिन पहले हमें एक एप्लीकेशन मिली है। शाओलिन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट से एक ग्रेजुएट आई है जो ब्लैक रोज टीम का हिस्सा है। सुना है वो बहुत ही अच्छा खेलती है। टीम ने कंपटीशन में हिस्सा लेने की गुजारिश की है। अब उनके पास एक नया कोच भी है। बीच वॉली टीम भी खेलने के लिए बाहर जाना चाहती है, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलता है तो वो अपने देश को निराश नहीं करेंगी, वहाँ से जीत कर वापस आएंगी। चलो घुटने मोड़ो, ऐसे अपने शरीर की सीध में ऐसे पकड़ो और फिर प्लीज फोकस, बहुत जरूरी है, सिर्फ ताकत से काम नहीं बनने वाला। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपने अंदर फुर्ती लेकर आओ, उसके बाद देखना इस बॉल को इसकी मंजिल तक पहुंचने में जरा भी गलती नहीं होगी। रिन, इसमें बड़ा मजा आ रहा है ना? हाँ, ये तो शाओलिन कुंफू के बेसिक्स हैं। अब ध्यान से देखो। Hey, तुम जरा यहाँ आओ। क्या हुआ? स्टैंडिंग ज़ेन, ऐसे ही रहना और कुछ मत करना। ओके, कंधे मजबूत होने चाहिए, बॉल फेंकते वक्त कंधे को सीधा करना। ये शक्ति बॉल को बुलेट की तरह फेंकेगी, ये देखो। शरीर के निचले हिस्से पर भी ध्यान देना जरूरी है, यही तुम्हारी स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है? यही तो शाओलिन कुंफू है। तो चलो मिन मिन, हाँ। तुम कोशिश करके दिखाओ, ये लो। ओके।
ऐसे सबको मौका मिलेगा। चलो अब लाइन में खड़ी हो जाओ। चलो चलो रात नहीं लाइन आ जाओ। कंप्लेंट करना बंद करो। अगर प्रैक्टिस मैच में जीतना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, समझी? चलो भागती रहो, भागती रहो। यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है। चलो चलते हैं, चलो। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। हाँ, कितना बढ़िया है। क्या बात है चीफ? क्या क्या कहा तुमने? चीफ है? मैं कोई चीफ नहीं हूँ। हाँ, बहुत क्यूट लग रहे हैं। सच में? ये पहनना जरूरी है क्या? ये पहनकर मैं नहीं खेल पाऊंगी। तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे छोड़ो, मैं क्यूट लगी हूँ। चलो अब सब ध्यान से सुनो। जी सर। रिन, तुम यहीं रहोगी। लेकिन क्यों? तुम्हारी वजह से ये हार सकते हैं, इसलिए। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये बहुत अच्छा शूट करती है, इसे खेलने दीजिए ना सर, वरना हम हार जाएंगे। मैंने ना कहा मतलब ना। चलो अब सब आगे बढ़ो। चलो चलो। ये क्या, रिन को खेलने से मना कर दिया? हाँ वही तो, पर ऐसा क्यों किया? अच्छी लग रही है, यूनिफॉर्म काफी क्यूट है। मैच पे ध्यान दो ना। अब SIU और OUKA कॉलेज के बीच की प्रैक्टिस मैच शुरू की जाती है। थैंक यू। सब रेडी, गो! जल्दी 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 जल्दी। अरे थोड़ा ध्यान दो। जल्दी गो, अभी रिन को भेजना चाहिए। हाँ, तभी जीत पाएगी, कहा है ना। फोकस। हाँ, ये लो। और दे, और दे। ए, 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 पास, 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 होती तो और गोल हो जाते, पर ये लोग भी अच्छा खेल रही हैं। बहुत फुर्ती आ गई है इनमें। आपने काफी मेहनत की है जी। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं चीफ नहीं हूँ। ब्रेक टाइम। चलो। तुम ठीक तो हो? आराम से। ऐसे कुछ नहीं हुआ। आप मुझे खेलने क्यों नहीं दे रहे? तुम एक अच्छी भली टीम को बर्बाद कर सकती हो रिन। जी नहीं, मैं बहुत अच्छा खेल सकती हूँ। कैप्टन, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ।
क्या बात है, अब तो हम जरूर जीतेंगे। रेन खेलने के लिए जा रही हैं। क्या बात है, ये हुई ना बात, मजा आएगा। रेन अच्छा खेलती है, ये बहुत बढ़िया हुआ चीफ, बहुत बढ़िया। तुम ऐसा जानबूझकर कह रहे हो ना? टीम वर्क की कमी है। सही कहा, टीम वर्क की कमी है। बहुत बढ़िया जी। कम ऑन, ए जल्दी जल्दी, कॉल करो। कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, अगली बार और मेहनत करेंगे। ये सब प्रैक्टिस मैच था, टूर्नामेंट तक हम बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, है ना दोस्तों? मैंने अच्छा खेला ना? तुम्हें अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बहुत ही फास्ट खेल रही थी और हमारी ओर तो फेंक ही नहीं रही थी। ये तुम्हारी अकेले का खेल नहीं है, और हम सब ने मेहनत भी बहुत की थी। हाँ, तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं है क्या? तुमने हमें बॉल ही पास नहीं किया। सबसे पहले तो तुम सबको अपनी टीम में एकता दिखानी है, याद रखो, अगर तुम्हारे बीच एकता नहीं होगी तो किसी भी टीम के लिए तुम्हें हराना बहुत आसान होगा। गेम पर फोकस करो, एक दूसरे पर ध्यान दो और चौकन्ने रहो। तुमने ठीक कहा, इस लड़की ने सब सत्यानाश कर दिया, सब इसकी वजह से। मुझे तो चोट भी लगी, ये नहीं होती तो शायद हम जीत भी जाते। मेरा ये करने का मकसद नहीं था। तो क्या मकसद था तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी वजह से आज ये हार गए, अब से तुम टीम में नहीं खेल सकती, समझी? मुझे एक और मौका दीजिए, मैं इस बार। टीम वर्क, कुंफू और इस गेम में टीम वर्क के क्या मायने हैं, तुम अभी ये सभी लोगों को बताओगी। कुंफू में टीम वर्क नहीं होता। और तुम कुंफू ही सिखा रही थी, तुम्हारी वजह से हम आज हार गए। हाँ ठीक कहा, मुझे टीम वर्क का मतलब नहीं पता। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो अब घर जाओ। क्या फायदा हुआ?
कुंफू का असली मतलब क्या है? पास करो पास! अकेले बोलने की कहाँ जा रहे हो? पास क्यों नहीं किया तुमने? पास क्यों नहीं किया? पर कोच मैं करनी है। मेरे सामने ये पर्व नहीं चलेगा। गेम में खेलना यानी पूरी टीम के साथ जिम्मेदारी के साथ खेलना होता है। जिम्मेदारी? हाँ जिम्मेदारी। क्या तुम्हें इसका मतलब पता भी है? बोलो। गेम को मिलकर खेलना और जीतना, इसे कहते हैं टीम वर्क, और इसे हर प्लेयर को करना चाहिए। आप बच्चों के साथ ऐसे बात करते हो? ये मेरी टीम है, इनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? रिन, सुनो, हमारे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगी? ये लो, चलो बच्चों, प्रैक्टिस टाइम। चलो कुछ करके दिखाओ। चलो, चलो, आज मेरा आइसक्रीम जगह है, चलो ना खाते हैं। मुझे नहीं खानी। अरे क्यों? अरे ये क्या, ये फुटबॉल क्यों खेल रही है? क्योंकि उसे लैक्रोस खेलना नहीं आता। शूट, शूट। ओहो, हाँ। चलो 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 एक साथ, चलो मिलकर खेलना है। बहुत अच्छा, कम ऑन टीम वर्क। चलो फुर्ती दिखाओ, बॉल के पीछे भागो। चलो चलो पास कराओ। Balance रखते हुए आगे बढ़ते रहो।
अच्छा नजारा है। रिंको टीम के साथ प्रैक्टिस करने दीजिए कोच, मना मत कीजिए। हाँ कह दीजिए, मना मत कीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, जवाब हाँ है। कोच चलो प्रैक्टिस करो। टीचर कहाँ है? ओ, वो नदी के पास गए हैं। थैंक यू। क्या चल रहा है? अभी तक खाना ही खा रही हैं? हाँ, पर मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा।
फिक्र मत करो, जोश और जुनून जरूरी है, ये बात तो तुम जानती होगी। जानती हूँ, ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह सीख ली है। सुनो रेन। कहिए। जानती हो कि तुम्हें चाइना क्यों भेजा गया? ताकि मैं दादाजी जैसी बन सकूं? नहीं, तुम्हारी आत्मा की वजह से। तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति है। तुम्हें शाओलिन भेजा गया ताकि तुम इसे कंट्रोल करना सीख लो। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा। ठीक है। मैं लड़ना नहीं चाहती। कहा वो लड़ना नहीं चाहती। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। मजे करना। टीचर, वो यहाँ नहीं है, तो कहाँ चले गए? आजकल वो बहुत बाहर जाने लगे हैं रिन। शायद नहाने के लिए जाते होंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो और आप भी। बता, लड़की कहाँ है?
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम लड़ क्यों नहीं रहे हाँ? लगता है तुम्हें दर्द नहीं हुआ। मुझे दर्द नहीं होता। तुम उसकी ताकत को क्यों आजमाना चाहते हो हा? कई साल इंतजार किया है मैंने। मैं उसके साथ मुकाबला करना चाहता हूं। रिन से दूर ही रहो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज उससे दूर रहो, उसे अकेला छोड़ दो। बड़ा रखवाला बन रहा है तो उसका शाओलिन कुंग फू लड़ने का हथियार नहीं है। अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यही नियति है। रुक जाओ। अगर वो नहीं लड़ना चाहती तो मैं उसे मजबूर कर दूंगा। रुको, रुक जा। जो भी उसे प्यारा है उसे खत्म करना होगा, उसके अंदर के गुस्से को बाहर निकालना। खोलो, आज के लिए होटल बंद है, कल सुबह खुलेगा। टीचर अब ठीक तो है ना? बहुत दर्द हो रहा है। हेलो, खुला है या बंद हो चुका है? ये क्या, मेरे लिए भी बंद? हाँ, क्योंकि बॉस यहाँ पर नहीं है। ओ, मेरे लिए कुछ तो बना दो। चलो भी। अच्छा तो क्या अंडा चलेगा? अंडा वंडा नहीं खाना, कुछ सूप बनाओ यार। फ्राइड राइस? नहीं नहीं, सूप ही चाहिए। चूहा बिल से बाहर आ गया है, हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। पर ऐसी हालत में मैं ठीक हूँ। Thank you.
फ्राइड नूडल्स है। हटाओ इसे, ये नहीं खाना। अच्छा, अरे मुझे मिल गया। क्या मिल गया? अंडा खाओगे ना? अंडा नहीं खाना, खाना दो। क्या पका रहा है? खाना पका, खाना मुझे नहीं। उठो उठो उठो, क्या की बदबू आ रही है? भागो भागो। रिन रिन जाओ। बाल बाल बन गए। हाँ, सिर्फ बाल ही बचे हैं। रिन कहाँ है? मिस्टर रिवाई कहाँ पर? मुझे मिल गया अंडा, मिल गया। उल्लू का पट्ठा। रिन रिन, तुम ठीक तो? मास्टर, किक मारो मुझे। उस वक्त मैंने शाओलिन के नियम तोड़े थे और इसीलिए मैंने खुद को सजा दी और इससे दूर रहा। रिन, तुम नहीं लड़ोगी, मैं लड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी ताकत बहुत खतरनाक है। रिन, बुराई तुम्हें बुला रही है रेन, पर एक बार तुम उसमें फंस गई तो निकलना नामुमकिन है। बॉस, बॉस, उन्होंने होटल जला दिया। बॉस, उन्होंने होटल जला दिया। क्या हुआ? होटल जला दिया। काले कपड़े वाले लोग आए थे, वो मिनमिन को उठा कर ले गए। क्या कह रहे हो? वो फाइटिंग क्लब के लोग थे। पर आप सबको क्या हुआ? आप लोग ठीक तो हैं? आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अताशे, मीमी उतस के निकल। कामेदा, आई तुम ओमो छोड़ा। सेंसे, अताशे वा ततकाई ने यमी ने वा उचना यो। दाते, अताशे वा ममोते कुरे ते इता हितो ताची गा इरु करा।戦うとか戦わないとかどうでもいい。少林拳を浜になったって構わない。今大切だと思う人、私も守りたい。それが間違っていても後悔しません。いい。先生だって私にそうしてくれていたじゃないですか。
必ず帰ってこいよ。 कुंफु सिखाने ही आए थे पर खाने में लचकर रह गए। मेरा दिमाग घूम गया है, अब मैं सबको घुमा दूंगा।
तुम तो वाकई कमाल की हो, बहुत इंतजार किया। मैं हमेशा से तुम पर नजर रखता रहा, बड़ी देर कर दे, मैं कब से इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? सवाल बड़ा दिलचस्प है तुम्हारा। बस जानना चाहता हूं कि
हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है? आओ रिन, अंधेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। क्या तुम देख पा रहे हो? चमचमाती रोशनी, ऐसी जगह जहां गर्माहट है, सारी आवाजें धीमी हैं, परछाइयां, अंतरिक्ष, डूबता हुआ सूरज, धीमी धीमी धुन, Thank you.
क्या ये सब तुम्हें कुछ याद दिला रहा है? एक लंबा रास्ता अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने का, क्या तुम सुन पा रहे हो? मीठी धुन, क्या तुम देख पा रहे हो? प्यार ही प्यार, याद है तुम्हें? सुनाई दे रहा है तुम्हें? एक अलग दुनिया, बहुत ही सुंदर दुनिया, जहां सब कुछ शांत और सुंदर है। आंखें खोलो, क्या आप सब ठीक है? अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम में एक बहुत ही खास बात है, मेरे साथ मिलकर कुंग फू सीखना चाहोगे? हाँ, मैं सीखना चाहूंगा। गेम शुरू होने वाली है, पता नहीं कहाँ रह गई। वो जरूर आएगी। Oh,
और इसी तरह बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ इन्होंने जीत हासिल कर ली है और हम कहना चाहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन हिला रहे हैं। और अब हम बात करेंगे इनकी फेमस सुपरस्टार से। कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच, मुझे खुशी है कि हम जीते, ये पूरी टीम की वजह से हुआ है।